ए वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। लास्ट क्लास रे आमे पढ़ुले सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, हालांकि आम सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर सारी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ुले। आपण मानक किसी दि जाइला होमवर्क, केते जन पिला होमवर्क कर सर आम भितर कहीं नुहे, वेरी गुड। तो 34 क्वेश्चन मु 33 क्वेश्चन जमती 34 क्वेश्चन सेमती 34 क्वेश्चन में मोर किसी करार ना, तो एबे सर कौन करवा मु किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन करेबी। जदि तुम्हें मत डाउट न पचार मु किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन करेबी, तो से सिलेक्शन क्वेश्चन भितर कौ गुटी को आम आगे करवा, जी पिला मत आगे पचारे मुझे क्वेश्चन टाक आगे करेबी। सर आप 35 टाक करातु, वेरी गुड। मुझे 35 टाक कर फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2600 इन 3 इयर्स। सब पिला माने बुझेबे फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2600 इन 3 इयर्स। तीन वर्ष पाई एन होउछि 3 इयर। 2600 टंका उपरे आमे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करिबा, ताहले पी होउछि 2600, रेट ऑफ इंटरेस्ट होउछि 4%, स्मॉल आई होउछि 4%, फॉर द फर्स्ट ईयर 5%, फॉर द सेकेंड ईयर एंड 6% फॉर द थर्ड ईयर। ओ माय गॉड सर, एमितिया क्वेश्चन तो आमे करिनु, सर एमितिया क्वेश्चन तो आमे करिनु। एटि तीन प्रकार रेट ऑफ इंटरेस्ट देछि, ताहले ए क्वेश्चन केमिति होबो? सबु पिला माने कहिले सर हाँ आमे मध्य ए क्वेश्चन करि पारिनु। ठीक अच्छे, ये क्वेश्चन टाक मुझ सल्व करोची, डोंट ओरी। सबू पिला माने लिखिबे, हालांकि मोर स्पेस इश्यू लास्ट क्लास रु चली, फिर भी मु एनी हाउ मैनेज करिने भी। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 35, सॉल्यूशन टू 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मारे एग्जाम रे, प्रोफेशनल एग्जाम रे यही भाया क्वेश्चन ही आसो। पचारि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्रिंसिपल देछि 2600, एन देछि 3 इयर्स, एउठु जा क्वेश्चन देछि सेइटा होछि इंटरेस्टिंग। रेट आई वन इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर केते देछि 4%, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर देछि 5%, आई थ्री इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर देछि 6%। ताहेले केमिति होबो? वेरी गुड, सब पिला माने आगे कांसेप्ट बुझिबे, तापर हमें आंसर करी। भाई माने ए रो फार्मूला कोन थिला? नो, सब पिला माने सुनिबे, से मध्ये गुटे तो गुटे प्रकार ठीक ही पारिबो, सब पिला माने गुटे कथा सुनिबे। स्वाधीन जो मेथड कहला से मेथड रे हम करबा पई चाहिबी। स्वाधीन कहू सर आप कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर वन बाहर कर दियंतु, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर टू बाहर कर दियंतु, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर थ्री बाहर कर दियंतु। तापर आपण कौन करिवे ना, ये तीन वर्षर सिग्मा नहीं जातु बा सम नहीं जातु, आपणकर सीए हो जीव कौन ना टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। एमिति हो पार, एमिति मध्य हो पार, डोंट इश्यू। मु एथिरे कोनोसी ऑब्जेक्शन नाही, मोर एथिरे कोनोसी ऑब्जेक्शन नाही, एमिति मध्ये आमे आंसर करि पारिबा। जेमिति कि जेउ क्लास रे मु तुमको पढ़ेली केमिति करिबा ना सर, कंपाउंड इंटरेस्ट रो फार्मूला होची पी इंटू वन प्लस आई टू दि पावर एन माइनस वन, मन पड़ू पी इंटू वन, सॉरी हाँ पी इंटू वन प्लस आई टू दि पावर एन माइनस वन, मन पड़ू यही भाया किसी फर्मूला थिला? हाँ सर मन पड़ू, कहीं सार आपको जदि आम सल्व करवा पी इंटु वन प्लस आई टू दि पावर एन माइनस पी, यहाँ आम कहते आम कहते पी एवं ए आउ पी डिफरेंस को आम कहते इंटरेस्ट, मन पड़ू अमाउंट आउ प्रिंसिपल डिफरेंस को आम कहते इंटरेस्ट। ताहले कौन हम ना, मु जदि प्रथम वर्ष पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करी कौन हम ना सर, पी हो 2600 आगे बुझे, पी हो 2600 फोल इंटू वन प्लस आई हूँ केते ना, प्रथम वर्ष पर आई हूँ 4% 04 टू दि पावर एन, एन एटी के गोटे वर्ष पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करन एटी के सर गोटे वर्ष पर वन माइनस वन,
ताहले केते ही गला की कहिबो ना सर 2601.04 माइनस 1 से समान 2600 माइन ए सॉरी इनटू 0.04 केते हबो को जदि याकु आमे गुणी दबा 104 टंका हो कंपाउंड इंटरेस्ट गोटाए वर्ष पई केते हबो ना 104 टंका हबो जदि आपण माने मोर प्रथम क्लास को मने पकई थिबे मने रखी थिबे मु कौन कही थिली जेतेबेले कंपाउंड इंटरेस्ट आमे ईयर 2 पई कैलकुलेशन करिबा फॉर्मूला थिला पी इंटू 1 प्लस आई टू दि पावर एन पी इंटू 1 प्लस आई टू दि पावर एन माइनस 1 सेठी पी केते हबो ना सर द्वितीय वर्ष पई प्रिंसिपल पी टू इज इक्वल टू प्रथम वर्षर प्रिंसिपल प्लस प्रथम वर्षर सुध मन पड़ुछि प्रथम वर्षर प्रिंसिपल युक्त प्रथम वर्षर सुध ताहेले पी टू केते हि जीवो ना 2600 प्लस 104 से समान केते हि जीवो कह 2704 ताहेले द्वितीय वर्षर जेतेबेले मु कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करिवि 2704 फोल इंटू 1 प्लस द्वितीय वर्ष पई रेट ऑफ इंटरेस्ट अछि 5% 05 फोल टू दि पावर एन मु केवल द्वितीय वर्ष पई कैलकुलेशन करूछि ताहेले एन हे गला 1 माइनस 1 किए कहिबो केते सुध होला ना 2704 फोल इंटू 1.05 माइनस 1 2704 इंटु 0.05 केते हबो मल्टीप्लाई करी फटाफट मते कहो 0.05 फटाफट कहो 2704 इंटु 0.05 135 टंका 20 पैसा 135 टंका 20 पैसा मु नउची 135 टंका ओके यस ताहेले थर्ड ईयर पई आमे कंपाउंड इंटरेस्ट केमिति कैलकुलेशन करिबा ना थर्ड ईयर पई कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फार्मूला होची पी इनटू 1 प्लस आई टू दि पावर एन माइनस 1 किंतु सर आपण हमको कहिथिले पी 3 यानी तृतीय वर्ष पई प्रिंसिपल केते हि जीवो ना द्वितीय वर्षर प्रिंसिपल प्लस द्वितीय वर्षर सुध द्वितीय वर्षर प्रिंसिपल थिला 2704 द्वितीय वर्षर सुध थिला 135 आकु मिसै देले केते हे जीवो राइट आंसर इज 2839 समस्त मिसाण फेडाण देखुथिबे मु मानने कि चालु छी मिसाण फेडाण सब पिला माने चेक करथिबे कारण मोर एई जगह ही बहुत भूल हुए ताहेले कैलकुलेशन केते आसीबो 2839 होल इनटू 1 प्लस तृतीय वर्ष पई इंटरेस्ट केते थिला 6% यानी 06 होल टू दि पावर एन एन कहले नंबर ऑफ ईयर मु कहूँ तृतीय वर्ष पई माने वर्षे पई ताहेले एन केते हे गला 1 माइनस 1 जदि आपण टेक्निकली देखिबे 2839 इंटू 0.06 केते हबो 2839 इंटू 0.06 170 टंका 34 पैसा यानी 170 टंका मु जदि राउंड फिगर नेबी ताहेले मोर टोटल इंटरेस्ट केते हबो ताहेले मोर टोटल इंटरेस्ट केते हबो 104 अतएव टोटल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट केते हि जीवो 104 प्लस 135 प्लस 170 अरे भाई एमती करचो ना केमती करचो सर आपण एमिति काहे की कले आउरी शॉर्ट रे आंसर बाहरी पार थांता यस मु जानि छी आउरी शॉर्ट रे आंसर बाहरी पार थांता ए मेथड रे केते जण जाई छ ए मेथड रे किछि पिला जाई छ केही ना ना सर आमे केही ना ओके जदि ए मेथड रे तमे जाई न ताहेले मु 100% श्योर तम माने ए मेथड रे जाई थिबो सेकंड मेथड कौन करथिबो ना सर इंटरेस्ट 1 फॉर्मूला होची पी एन आई फॉर्मूला होची पी एन आई प्रथम वर्षर प्रिंसिपल होची 2600
एन हूँ बर्षे आई हूँ 4% ताने एटी सुध बाहर 104 टंका राइट। जिते बड़े आम इंटरेस्ट सेकेंड इयर पर कैलकुलेशन कलु फॉर्मूला हूँ पी इंटू एन इंटू आई किंतु एटी पी टू के 2704 कहीं ना आपण कही पी टू इज इक्वल टू पी वन प्लस आई वन मन पड़ी ताहेले 2600 टंका प्लस 104 टंका केते ही गला 2704 इंटु वन इंटु 5% थिला रेट ऑफ इंटरेस्ट सब पिला माने देखिबे से मानकर आंसर बाहर थी 135 टंका 20 पैसा आम आई राइट। ये सर आपण इंटरेस्ट थर्ड इयर को जदि मु कैलकुलेशन करी फॉर्मूला हूँ पी एन आई काहिकी ना थर्ड वर्षर पी केते हबो किए कहिबो ना द्वितीय वर्षर पी प्लस द्वितीय वर्षर सुध 2704 प्लस 135 से समान केते होतला 2839 2839 इंटु गोटाए वर्ष पई वन इंटु आई हूँ 6% जहार वैल्यू बाहर थिला 170 अतए टोटल इंटरेस्ट केते होतला इंटरेस्ट इन टोटल 104 प्लस 135 प्लस 170 केते होतला कुओ केते होतला कुओ 409 एमिती केते जना करी चाओ ना सर आमे एई मेथड रे ही करी चु सर आमको गोटे कथा कहत क्वेश्चन रे देची कंपाउंड इंटरेस्ट आपण केमिति सुधर एई फॉर्मूला पकेई देले अरे भाई सब पिला माने बुझो सुधर फॉर्मूला होची पीएनआई सुधर फॉर्मूला होची पीएनआई आमे जत्ते बेले वर्ष को वर्ष कैलकुलेशन करिबा सेते बेले कौन हबो कंपाउंड इंटरेस्ट रे पी चेंज हो जीवो माने द्वितीय वर्षर प्रिंसिपल कौन हो जीवो प्रथम वर्षर प्रिंसिपल प्लस प्रथम वर्षर सुध तृतीय वर्षर प्रिंसिपल कौन हबो द्वितीय वर्षर प्रिंसिपल प्लस द्वितीय वर्षर सुध अरे बुझीला कि बुझीला ये सर बुझीला मु किंतु ए मेथड रे भी माने संतुष्ट नुओ सर आपण कहिबा को कौन चाहंती मु कहूँची मोर पिला माने गोटे मेथड रे आंसर बाहर करिवे ताहेले सब पिला माने लेखिले थर्ड मेथड जो गोटाक मु तुमको बुझेबा को चाहूँची जो गोटाक मु तुमको बुझेबा को चाहूँची एग्जाम रे पढ़ले ही आमे एई मेथड करिबा जोटाक इजी कि नाही मते कहिबो सर केमिति आपण बुझांतु वेरी गुड बुझिबा सब पिला माने रेडी आर यू रेडी Yes, sir. All people please pay your attention. सब पिला माने सेमानकर अटेंशन देबे एवं आमे बुझिबा अच्छा कुवंतु ए रो फार्मूला कोन थिला कंपाउंड इंटरेस्ट रे p into 1 plus i to the power n कंपाउंड इंटरेस्ट रो फार्मूला कोन थिला p into 1 plus i to the power n minus 1 आपण मानकर मनने अछि कि मनने मनने अछि कि मनने हाँ सर जदि मु कहली एन हूँ 3 1 प्लस आई टू दि पावर 3 यार मान किए कहीपर सब पे बुझे मुझे लिखिपर पी इंटु 1 प्लस आई इंटु 1 प्लस आई इंटु 1 प्लस आई यह लिखिपर येस और नो येस और नो एहा मु लिखि परिबी यस और नो यस अगेन सर यस सर आपण लिखि परिबे काहे कि ना जोटी पावर रे 3 आसीबो एहार अर्थ 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन होबो एहार अर्थ 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन होबो बुझी होछ यस ए ए क्वेश्चन रे कोन देइछि ना प्रथम वर्षर आई देइछि 4% द्वितीय वर्षर आई देइछि 5% तृतीय वर्षर आई दे 6% ताहले मते कौन करने को पड़ो सब पिला माने देखिबे पी अच्छी 2600 इंटु 1 प्लस आई टू दि पावर एन
माइनस वन कौ न जिते बड़े आज्ञा एन सर देजी ताहले मु एन टा को थ्री लिखुची कहू न हाँ यस सर आप लिखिपर 2600 फोल इंटू वन प्लस आई इंटु वन प्लस आई इंटु वन प्लस आई मु लिखिपर कि लिखिपर माइनस वन मु एहा लिखिपर कि लिखिपर सबु पिला कहले डेफिनेटली सर आप लिखिपर ताहले एहार माने कौन एहार माने होची प्रथम आई रे मु वैल्यू पकेबी प्रथम वर्षर सुध द्वितीय आई रे मु वैल्यू पकेबी द्वितीय वर्षर सुध तृतीय सॉरी मु एटा तीन को गणली प्रथमटा चार थिला ना प्रथमटा चार थिला द्वितीयटा पाँच थिला वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स माइनस वन अरे बुझीला कि बुझीलानी हाँ सर बुझीला सर आप कौन कले कि पिला कहले ना सर आम बुझीलानी मुझे कली प्रथम वर्ष पर जिते बड़े इंटरेस्ट बाहर करी प्रथम वर्षर जहाँ रेट अच्छी ने द्वितीय वर्ष पर जिते बड़े मुझे सुध बाहर करी द्वितीय वर्षर इंटरेस्ट गुणी एंड तृतीय वर्षर जिते रेट अफ इंटरेस्ट थी मुझे थर्ड पोजिशन लिखी एवं आपको सल्व करी सॉल्व कला परे केते हबो ना सर यह हबो 2600 इंटु 1.04 इंटु 1.05 इंटु 1.06 ये टोटल रो माइनस वन अछि आकु भूलिबे नाही आकु टोटली भूलिबे नाही तो सर आमे आकु बिना कैलकुलेटर यूज करी के केमिति बाहर करिवु आपण हमकु सिखांतु वेरी वेरी गुड सब पिला माने लिखिबे लेट एक्स इज इक्वल टू 1.04 इंटु 1.05 इंटु 1.06 दैट इम्प्लाइज जदि मु बोथ साइड रे लॉग निए ताहले केते हबो ना लॉग इंटु एते की कहू न हो अरे भाई कहू न हो आज्ञा सर आकु आमे लिखि परिबा लॉग 1.04 प्लस लॉग 1.05 प्लस लॉग 1.06 कहू न हाँ किसी पिला कहले सार आम या कौन करता ना गुणी दे था तापर लॉग नहीं था हम जदि गुणी की लॉग नहीं पार हम कि असुविधा ना तो लॉग 10 1.04 लॉग केमती बाहर ना कैरेक्टरिस्टिक्स हूँ जीरो दस रि फटाफट कह दस रि दस रि दस रच दस रनटा संख्या मत देख कह फटाफट 0170 0170 लॉग 1.05 सर कैरेक्टरिस्टिक्स हूँ जीरो दस रच हूँ 0212 प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स हूँ जीरो दस रच 0253 आपको मिसई दियो केते हूँ फटाफट कह मिसई दियो केते हूँ ना तीन दुई पाँच सात एक आठ पाँच तेर एक एक दुई दुई चार दुई छून 0.0653 एहा होची कहार वैल्यू ना लॉग एक्स रो आमुकु दरकार एक्स रो वैल्यू एक्स इज इक्वल टू आंटी लॉग ऑफ 0.0635 ताहले केते हबो 06 रो आंटी लॉग टेबल 3 06 रो आंटी लॉग टेबल होची 3 1156 1156 मीन डिफरेंस 5 मीन डिफरेंस 5 होची 1 आसला 1157 डेसिमल कोडी पके भी किए कहिबो ना सर डेसिमल पॉइंट पूर्वरु 0 अछि आपण सेथिरे 1 ऐड करंतु हेई गला 1 लेफ्ट रु गुटाई छाडी के डेसिमल पॉइंट जदि पिला माने कैलकुलेटर मारियो ताहेले तमर आंसर एति केसिबो 1.156 ताहले एहार वैल्यू केते हला ना 2600 होल इंटू 1. केते हला 156 माइनस 1 एहार वैल्यू हबो 2600 इंटू 156 जदि आमे याकु डेसिमल उठेबा 26 इंटू 156 डिवाइडेड बाय 10 जदि डेसिमल उठेबा
एमती के बुझीपाल ना बुझीपाल जदि न बुझीपार एमती देख और थिला छब्बीस डेसिमल शहे छपन हजार गुणिली पॉइंट वन फाइव सिक्स हजार गुणिली होगा छपन डिवाइडेड बाय हजार तो दीटा शून कटिगला आउ के रहा शहे छपन बै दस एबे गुणित केते हम ना यार आंसर हम के जान फोर जीरो नाइन गुणिकी देख फोर जीरो नाइन हम सर ए क्वेश्चन ने आपणकर कौन आमको करने को चाहिए सब पिला माने बुझिबे जेउंटी कंपाउंड इंटरेस्ट केस रे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग थी आम से कौन करवा ना एमती बाहर करवा बुझीला ताहले ए रो वैल्यू केमिति बाहर था किए कह मत फटाफट कह जदि बुझीच ए रो वैल्यू केमिति बाहर था पी इंटु पी माने छब्बीस होल इंटु वन प्लस जीरो फोर इंटु वन प्लस जीरो फाइव इंटु वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स यार माने कौन ना पी इंटु सब पिला माने बुझिबे वन प्लस जीरो फोर वन प्लस जीरो फाइव वन प्लस जीरो सिक्स बुझीला रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग थी आमको यही भाव बाहर करने को पड़ो जमीती बाहर करो आंसर समान हम मुझे तुमको बुझाऊ तुम्हें कौमती कैलकुलेशन कर किसी ना कंपाउंड इंटरेस्ट पुट फॉर्मूला गेट आंसर किसी ना लॉग एंटी लॉग आसवा दरकार ओके सर आम ट्राए कर सर एटा ए जो मेथड रे कले हम लॉग एंटी लॉग दरकार हो जा पुर जो सेकंड मेथड कले सेकंड रे दरकार हो नि तमे को थर्ड मेथड ही करबा को पड़िवो थर्ड मेथड ही करबा को पड़िवो तम पाखरे बाटो किछ नै कारण मु थर्ड मेथड एई दिमै कहू छी एग्जाम रे तमको 5 मार्क क्वेश्चन पड़ी थिवो पाँच रु पाँच स्कोर करने को तुमको लॉग रो साहाज्य नबा को पड़ो ओके मुमती कहूँ तुम्हें सेमती कैलकुलेशन कर ओके ओके जोटा हूँ परफेक्ट मेथड मु तुमको से ओके तो 37 36 क्वेश्चन में कही इफ सम ऑफ रुपीज 400 वुड बिकम 441 आफ्टर टू इयर्स यार माने कौन तुम पाखे 400 टाँह अच्छी जहाँ केते टाँह हो जा वर्ष पर 441 टाँह हो जा आर शतकड़ा सुध हार फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एक कथा पढ़ाई किए कह कौन हम ना सार क्वेश्चन रे पी दे 400 क्वेश्चन रे ए दे सार आपण केमी जान लें पी कौटा ए कौटा वेरी गुड जहाँ किछि दिन परे पे करा जाए ताकु ए कुआ जाए बा अमाउंट कुआ जाए एवं आज का डेट रे जहाँ वैल्यू थाए ताकु मूलधन कुआ जाए ताकु सम कुआ जाए एन देइछि 2 वर्ष पचारिछि आर आसीबो नि अरे कहू न अरे भाई आगे सर आसीबो पी ए ए इज इक्वल टू पी इनटू 1 प्लस आई टू द पावर एन ए आर माने आर पचारिछि रेट ऑफ इंटरेस्ट माने एटी माने कौन आर पचार शतकड़ा सुध आर पचार जहाँ को आम आई कौचे क्वेश्चन में सी आर दे किसी असुविधा ना हेनी एमती क्वेश्चन मुझे लास्ट क्लास कई हाँ सर आप क्वेश्चन लास्ट क्लास करईटा को आमको होमवर्क दे दिखाँ ओके सर जदि नाला तो मैंने तुम्हें पाठ किसी बुझुन ओके 37 क्वेश्चन मुझे क्लास करेबी कारण ए किसी दिमाग अच्छे कही किछि टंका ए सम ऑफ रुपीज 24 डिपोजिटेड आट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स आफ्टर 5 इयर्स एटा आंड नु से कहि किछि टंका तमे गोटे बैंक रे डिपोजिट कल जहाँ कि सुध सहित तो डबल हो जाऊँ केते वर्ष रे ना 5 वर्ष रे सब पिला माने बुझिबे डबल आफ्टर 5 इयर्स फाइंड द अमाउंट दैट विल बी फेस आफ्टर 20 इयर्स ई ए आर एस सी कहि फाइंड द अमाउंट फाइंड आउट करो
दैट विल फेस फेस नो फेस एपी टी सी एच फेस माने हमको दबो एपी टी सी एच फेस सडा भूल हे जाय छी फेस फेस आफ्टर 20 ईयर जहा हमको 20 वर्ष परे केते टंका अमाउंट दबो कोन अछि क्वेश्चन फिर भी मु ए क्वेश्चन करे भी सब पिलां को पई कारण सब पिलां को डिमांड जे सर हमर ए क्वेश्चन हेनी सर आपन के जानले मु जानी छी तमाने घरे किछि करिनो एठी टुंग टुंग पळे आसो केतो थिला क्वेश्चन नंबर 38 जहा भी थिला 38 ना 37 फटाफट को 37 ओके लेखिबे कोन दे छी क्वेश्चन रे सम दे छी सम माने पी दे छी 2400 सी कहू छी डबल हे जाउ छी 5 वर्ष रे एन इज इक्वल टू 5 ईयर अतएव ए केते हबो 2p से समान 2 इनटू 2400 से समान 4800 अरे 2400 टंका डबल हे जाउ छी ता माने ए टा केते गुणा हे जेबो पी रो दिगुणा कहू न हो यस अगेन सर किछि शतकड़ा सुध हार रे मने करो रेट इज इक्वल टू आई लेट रेट इज इक्वल टू आई अतएव ए इज इक्वल टू पी इनटू 1 प्लस आई टू द पावर एन ताहेले जदि हमें वैल्यू पकेबा 4800 इज इक्वल टू 2400 फोल इनटू 1 प्लस आई टू द पावर 5 दैट इंप्लाइज 4800 डिवाइडेड बाय 2400 इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर 5 दैट इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर 5 हबो केमती बाहरिबो दैट इंप्लाइज log 2 इज इक्वल टू एमते क्वेश्चन करैनी हां सर आपण करैछन log 1 प्लस आई टू द पावर 5 एठी कौन कले सार आउ थे कहतु ना आम बुझी पाइलुनु टेक लॉग बोथ साइड टेक लॉग ऑन बोथ साइड उभय पार्श्व लॉग निगला ताहले कौन हबो दैट इंप्लाइज लॉग 2 इज इक्वल टू 5 पळे आसीला स्टार्ट को लॉग 1 प्लस आई अरे कहू न हो 1 प्लस आई हब अरे हब कि हबन अगेन सर यस ता परे हमें कौन करिवा ता परे log 2 रो वैल्यू केते के कहि परिवो log 2 रो वैल्यू केते के कहि परिवो ना सर कैरेक्टरिस्टिक्स हो छि 0 कोडी रो सुन कोडी रो सुन केते हो 3010 3010 इज इक्वल टू 5 इनटू log into 1 plus i that implies log 1 plus i kete hobo now 1 divided by 5 into 0.3010 are bhai 5 epote multiply thila sepote jai ki divide hela bujilo are bujilo ki nai again sir pila kahile sara me buji parnu okay jodi na buji parcho tahale emti lekh इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस आई हाँ सर एथर बुझीगला ओके आपको काटले के हम 0.0602 इज इक्वल टू यह कहार वैल्यू लॉग 1 प्लस आई ताहले पिले कहो एपटे लॉग अच्छे बॉर्डर सेपट गले कौन है एंटी लॉग ऑफ 0.0602 इज इक्वल टू 1 प्लस आई अरे कोहु न हो एंटी लॉग बाहर करिबा 0.06 रो 0 0.06 रो 0 0.06 रो 0 होची 1148 1148 तार मीन डिफरेंस होची 2 रहौची 1 1149 1149 डेसिमल पॉइंट कोड दबा
ना सर दशमिक पूर्व जीरो अच्छी जीरो रे एक मिशातु 1.149 इज इक्वल टू 1 प्लस आई दैट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू केते हबो 1 माइनस 1 सॉरी आई इज इक्वल टू केते हबो ना बॉर्डर से पटे 1 जाएंगे माइनस हो जीवो 149 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.149 जत्ते बेले आई बाहर मु कहितली सेते बेले 100 हम को मल्टीप्लाई करबा को पड़िबो ताहले एटा हे जीवो 14.9% मु आपको कहि परबी 15% 14.9% मोर इजी दृष्टि रु मु ताको कहि परबी 15% अगेन सर ना सर आपन 14.9% ने कि करंतु ना पिल्ला कहले सर आपन सब बेले शॉर्टकट काई खोजु छथि मु कहली ओके आम सर्टकट करानी 14.9% नहीं करवा क्वेश्चन कौन पचारे 20 वर्ष पर आमको केते टंका दबो 20 वर्ष पर आमको केते टंका दबो लिखिले अगेन पी इज इक्वल टू केते 2400 कारण पी तो सही कन्स्टांट ना एन दौची केते ना सर 20 वर्ष आई केते पाइल ना सर आम पाइल 14.9% पचार कौन ना 20 वर्ष पर केते टंका यानी ए इज इक्वल टू केते ए रो फॉर्मूला किए कह पी इंटु 1 प्लस आई टू दि पावर एन 2400 होल इंटु 1.0.149 टू दि पावर 20 से समान 2400 इंटु 1.149 होल टू दि पावर 20 फटाफट कह यार वैल्यू केते हबो ना सर बहुत सिंपल लेट एक्स इज इक्वल टू 1.149 टू दि पावर 20 दैट इम्प्लाइज लॉग एक्स इज इक्वल टू केते हबो 20 इंटु लॉग 1.149 जदि आम 20 को गुणीबा कैरेक्टरिस्टिक्स आसला जीरो 11 4 लॉगरिथम टेबल 11 4 11 4 हो सार 0569 0569 मीन डिफरेंस 9 मीन डिफरेंस 9 हो 34 9 4 13 6 9 1 0 5 1 6 0603 आपको जदि आम गुणीबा 20 30 60 20 100 120 रु शून रखने 12 20 100 12 यह हम आंसर यह हूँ कहार वैल्यू ना लॉग एक्स वैल्यू दैट इम्प्लाइज एक्स के हम आंटी लॉग ऑफ 1.2060 0.20 रो 6 आंटी लॉग टेबुल 0.20 रो 6 1607 पिला पढ़े जाऊँगी क्लास ओके 1607 डेसिमल पॉइंट पूर्वर अच्छी 1 तमाने 1 रे 1 मिसिले 2 लेफ्ट रु दीटा छाड़ी डेसिमल पॉइंट ताहले केते हबो 16.07 16.07 2400 इंटू 16.07 जदि आम या मल्टीप्लाई करवा 24 इंटु 1607 सब पिलांकर मोर विश्वास 24 को पणीक्षा मन थी सर आप पगल है पणीक्षा पुणी आमर ओके 24 सता किए कह फटाफट कह 24 सता हूँ 168 8 रखने 16 24 शून्य शून सो 6 आडजस्ट हो गला आ रहा 1 24 144 1 145 5 रखने 14 24 किए 24 14 38 38568 टंका 38568 टंका जदि पिले किए तुम भितर कैलकुलेशन कैलकुलेटर यूज कर 5-10 टंका डिफरेंस आसी अदरवाइज आमर आंसर ठीक अच्छे पूरा परफेक्ट अच्छे हम हम कि ना बुझेगा हाँ सर एंटे क्वेश्चन करा जाए क्लास रे अगेन ओके okay.
मुँ क्वेश्चन तुम सहित यही करूँगी जे पाने फिल करूँ आपण एका नुहंती। वाह सर आपण कि डायलॉग मारे एवं ओटीवी रे गोटे सीरियल आसुची आपण एका नुहंती आपण एका नुहंती एहार माने कौन एहार माने कौन किए कही पार एहार माने कौन मु पचारुची जे तुम माने केबे भी एका फील करनी तुम मानक सहित तुमर फ्रेंड्स तुमर सार अच्छा डोंट बी ओरी माड़ी चल आग को ओके यस माड़ी चल आग को घरे प्रैक्टिस कर भाई रे प्रैक्टिस छड़ा किछि हेई परिवो नाही बिना प्रैक्टिस रे आमे किछि करि परिवा नाही जेमती कि तुम्हें जो इनिशियली पबजी खेलुव फ्री फायर खेलुव देखु तुम्हें हारी जाऊ इनिशियली किसी पिला जो ड्राइविंग शिखुवे से मैंने केते थर साइकिल रु पड़ी केते थर गाड़ी नहीं कौटी ढुके केते थर भूल जगार चका पड़ जा बारंबार प्राक्टिस करिबा द्वारा ही से आज कौन होती ना भल भाव पबजी खेली पार्टी भलसे गाड़ी ड्राइविंग करलसे आउ जहाँ जहाँ करमें भाव ओके यस प्राक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट नॉट ए प्रैक्टिस बट ए परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट ओके यस सर सर आपण आज आमको इमोशनल करदे आमको कहले आपण एका नुहति आपण आज आमको इमोशनल करदे नेक्स्ट क्लास रु आम जरूर जरूर होमवर्क करके आणव किसी बाट ना तुम्हें जो यही क्वेश्चन मत क्लास करना आमर आउ ग्रोथ हो पारानी आम आग को जापरबानी आम से खाली रेट अफ इंटरेस्ट से ही एन रे रही जा बहुत किसी अच्छे पढ़ा हेले मु कौन करी मोर हाथ गोड़ बांधि तुम मैने कारण तुम्हें घरे किसी क्वेश्चन प्राक्टिस करुन खाली सार आम पिकनिक जीव पिकनिक जीव पिकनिक जीव कि घरे पाठ पढ़ेबू ना वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी फॉर थ्री इयर से कहे कि टंका उपरे तीन वर्ष पाई कंपाउंड इंटरेस्ट 4% शतकड़ा सुध हार रे कंपाउंड इंटरेस्ट हूँ 1951 किए कही पार 1951 कौन मुझे सेंटेंस को केमिति पढ़ा जाए द कंपाउंड इंटरेस्ट मझीरे जहाँ अच्छे गैप कर दियो इज 1951 एहार माने कौन कंपाउंड इंटरेस्ट हूँ 1951 टंका ऑन ए सर्टन सम किछि टंका उपरे ऑन ए सर्टन सम कहले किछि टंका उपरे फॉर थ्री इयर हूँ एन आई हूँ 4% क्वेश्चन सम पचारे क्वेश्चन कही टंका उपरे सिंपल इंटरेस्ट केते हम आट सेम रेट से ही टंका उपरे से ही वर्ष रे से ही शतकड़ा सुध हार रे केते सिंपल इंटरेस्ट हम केते इजी क्वेश्चन केते इजी क्वेश्चन सर आम कौन कर हिंट्स दे दिखाँ आम घरे करदे ओके सब पाने शुण ना मुझे कई दूसरी कारण मुझे बुझेवा को जी समय जी मुझे सल्व करदे आल्दी करदे मुझे जानी तुम मैंने घरे कर खाली मोर पेज नष्ट हो छड़ा किसी ना ओके अवश्य मोर फ्री पेज ओके सॉल्यूशन टू के फटाफट कह अरे सॉल्यूशन टू के कह क्वेश्चन नंबर 39 शायद कौन पचार सी कही कंपाउंड इंटरेस्ट हूँ 1951 एन हूँ 3 वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट केते देइछि आई देइछि 4% पचारि सिंपल इंटरेस्ट केते हम वेरी गुड सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला कौन ना पीएमआई ताहले जदि आमे कौन हे जीवो पी पाई जीवा ताहले सिंपल इंटरेस्ट बाहर जीवो कारण एन भी देइछि आई भी देइछि पी मिलिबो केमिति वेरी गुड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला होउछि P into 1 plus I to the power n minus 1.
मते किछि पिला काली कंप्लेन कले जे सर आप आरंभ क्वेश्चन गुड़ाक करदे सहज रोचे किंतु लास्ट को कला आप करना लास्ट क्वेश्चन गुड़ा बहुत डिफिकल्ट। अरे भाई लास्ट क्वेश्चन गुड़ा तो पचार मत। ओके दैट इम्प्लाइज कंपाउंड इंटरेस्ट केते अछि 1951 इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस 0.04 होल टू द पावर 3 माइनस 1 से समान पी इंटू 1.04 टू द पावर 3 माइनस 1। पिले माने गोटे काम कर एटी 1.04 को तीन थर मल्टीप्लाई कर दिया 04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 जोटी एमती सहज सहज मुहरे कैलकुलेशन कैलकुलेशन हो जीवो सेठी लॉग एंटी लॉग रे अधिका समय नष्ट करिवनी 1.124 माइनस 1.125 कर दियो माइनस 1 दैट इम्प्लाइज पी इंटू 0.125 1951 दैट इम्प्लाइज पी के 1951 डिवाइडेड बाय 0.125 1951 हरण 0.125 15608 अतएव सिंपल इंटरेस्ट केते हबो 15608 इंटू एन होची 3 आई होची 4 चार बै 100 केते हबो जानी छो 15608 इंटू 3 इंटू 4% 1872 टंका 96 पैसा से समान 1873 टंका से समान 1873 टंका हब। अरे हब कि नहीं ये सर हब मु चाहूँ पिला मानक सहित गोटे सेकेंड टेक्निक रे करिवा पाई लेखिबे सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड कौन पिले मते कह कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला कौन पी इंटू 1 प्लस आई टू दि पावर एन माइनस 1 एग्रीड यस से ब्राकेट भल से दौ थी ना भूल हो। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला कौन ना सर पी एन आई ना सर पी एन आई सब पिला माने कहिलो देखि मु ए लिखि परिबि पी इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू दि पावर एन माइनस 1 कारण एपटे गुणा जाइथिला बॉर्डर से पटु गले डिवाइड हबो। ओके एठी मु कहि परिबि पी इज इक्वल टू एस आई डिवाइडेड बाय एन आई पी इज इक्वल टू एस आई डिवाइडेड बाय एन आई जदि एहा हुए मोर इक्वेशन 1 एहा हुए मोर इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 आउ 2 रे एलएचएस समान अछंती मु कहि परिबि आरएचएस समान हेबे सी आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू दि पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू एस आई डिवाइडेड बाय एन आई आमको क्वेश्चन रे पचारिथिला एस आई केते हबो मु एस आई इज इक्वल टू एमिति लेखि परिबि कौन ना कंपाउंड इंटरेस्ट इंटू एन आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू दि पावर एन माइनस 1 एहा लेखि परिबि कि लेखि परिबिनि पिला माने मते फटाफट रिप्लाई देबे एहा लेखि परिबि कि लेखि परिबि नाही फटाफट रिप्लाई देबे ये सर आपण एमिति लेखि परिबे ये सर आपण एमिति लेखि परिबे। ओके तो जदि मु आम क्वेश्चन रे मु वैल्यू पुट करिथांती कंपाउंड इंटरेस्ट थिला 1951 इंटू एन थिला 3 इयर
इंटु आई आई के 4% 0.04 फोर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई थिला 0.04 0.04 4 टू दि पावर 3 माइनस 1 एहाकू कटी कुटी आंसर बाहर करथिले तुमर आंसर बाहर थांता बी सेही 1873 72 75 एमती आंसर बाहर थांता बुझी हेला कि नाही सब पिला माने मते रिप्लाई देबे एवं कहिबे को मेथड तुमको इजी लागिला अरे भाई कहो को मेथड इजी लागिला पिला माने सब पळेले ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपण आज आउ केतेटा क्वेश्चन करेंगे जे पर्यंत 9टा बाजिनी से पर्यंत मु क्वेश्चन करौथिबि ओके फाइंड द इफेक्टिव रेट फाइंड द इफेक्टिव रेट कॉरेस्पोंडिंग टू 12% पर एनम कंफर्टेबल क्वार्टरली जदि क्वार्टरली आमको कौन करा जाए शतकड़ा सुध कैलकुलेशन करा जाए ताहेले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट केते हबो सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट माने कौन वेरी गुड आम आज गोटे कॉन्सेप्ट बुझिबा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एवं एटी क्वेश्चन को आज क्लास को एंड करिबा हाँ सर आज बहुत पढ़ी ओके ओके मोर स्पेस कोड रहा बुझे कौन मत स्पेस तुमने तो बुझुना एबे एबे एटी क्वेश्चन कले तो एटी थी स्पेस यस केते नंबर क्वेश्चन के कह सॉल्यूशन टू 40 के क्वेश्चन नंबर भी कह भाई मैंने क्वेश्चन नंबर कह 40 मुझे लिखुच 40 जार जहाँ थी सी सै लिख सॉल्यूशन टू केते क्वेश्चन नंबर 40 तो अरे भाई रिप्लाई दियो हो कौन देची फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट रो माने आज बुझा ये केते हम जदि रेट ऑफ इंटरेस्ट हुए आई होची 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वेश्चन रे देची कंपाउंडेड क्वार्टरली समस्त बुझो एहार माने कौन मु आगे सॉल्यूशन करूची तापरे माने बुझेबी लेट पी इज इक्वल टू 100 लेट पी इज इक्वल टू 100 इफेक्टिव रेट रो माने मु बुझेबी मु जेंती कैलकुलेशन करूची सब पिला माने बुझो अच्छा पिले मते खाली गुटी कथा को रेट माने कौन ना सर रेट रो माने होची 100 रे केते 100 रे केते बस एती खाली बुझितो अच्छा मु तुमको गोटे कथा बुझे जदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट रे कौन हम ना सर वर्ष को जिते थर दिया वर्ष को जिते थर दिया ताहा आई रे मल्टीप्लाय हम ए सॉरी एन रे मल्टीप्लाय हम आई रे डिवाइड हम सर माने बुझी गल माने होची अच्छा 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 मत खाली कहो ये इंटरेस्ट केमती बाहर कंपाउंड इंटरेस्ट केमती बाहर ना पी इंटु 1 प्लस आई टू दि पावर एन माइनस वन पी इंटु 1 प्लस आई टू दि पावर एन माइनस वन किंतु क्वेश्चन कहूँ कंपाउंडेड क्वार्टरली कंपाउंडेड क्वार्टरली रो माने कौन ना सर एहार माने होची क्वार्टर को थरे कैलकुलेशन हबो क्वार्टर को थरे कैलकुलेशन करा जीवो वर्ष रे केतेटा क्वार्टर ना सर वर्ष रे
चारिटा क्वार्टर बर्षरे एक बर्षरे केतेटा क्वार्टर ना सर चारिटा क्वार्टर तमाने वर्ष को चार थर दिजिव मु कौन कही थी ना वर्ष को जिते थर दिजिव एन रे मल्टीप्लाई हबो एवं आई रे डिवाइड हबो कहुन आई रे डिवाइड हबो एन रे मल्टीप्लाई हबो एवं आई रे कौन हबो डिवाइड हबो यस ताहेले मते एठी इंटरेस्ट केते हबो इंटरेस्ट छाड़ो मते कहो ए केते हबो अमाउंट अमाउंट मु एते बड़ फॉर्मूला काई लिखिबी ए केते हबो ना ए इज इक्वल टू पी इनटू 1 प्लस आई टू दि पावर एन वेरी गुड पी होची 100 मते कहो आई रे मु केते लिखिबी ना 1 प्लस 12% होची वर्ष को ताहेले क्वार्टर को केते हबो ना 12 डिवाइडेड बाय चारि वा कहली आई रे डिवाइड हबो एन रे मल्टीप्लाई हबो 12% डिवाइडेड बाय चारि इनटू एन होची बर्षे सर आपण नहीं ना एन केते कही ना ठीक अच्छे लिखी दियो ए लेट एन इज इक्वल टू 1 ईयर पी होची 100 टंका एन होची बर्षे ताहले कौन हबो बुझ ताने वर्ष रे एन रे सेतिक मल्टीप्लाई हबो आउ थरे वर्ष रे जेते थरो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करा जिवो यानी जेते थरो कंपाउंड डेड हबो आउ थरे जेते थरो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करा जिवो यानी जेते थरो कंपाउंड डेड हबो एन रे मल्टीप्लाई हबो आई रे डिवाइड हबो एन होची वर्षे ताहले आपण आई 1 × 4 कर दियंतु कारण क्वार्टर होची वर्ष को चारटा ताहले केते हेला ना 100 × 1 + 3% टू दि पावर 4 से समान 100 + 1.03 टू दि पावर 4 1.03 टू दि पावर 4 कहुन यस सर जदि आमे आकु कैलकुलेशन करिबा आंटी लॉग रे लॉग आंटी लॉग पके कि एहार वैल्यू कैलकुलेशन करिबा केते हबो ना सर लेट x इज इक्वल टू 1.03 4 टू दि पावर 4 लॉग x केते हे जिवो ना लॉग x हबो 4 × log 10.3 ए सॉरी 1.03 मु भूल लिखिले 1.03 ताहेले केते हबो ना 4 × कैरेक्टरिस्टिक होची 0 10 और 3 फटाफट देखो 10 और 3 10 और 3 होची 0128 दैट इंप्लाइज x केते हबो ना एंटी लॉग ऑफ एपोटे लॉग अछि सेपोटु गले एंटी लॉग हबो 4 रे मल्टीप्लाई करो 4 × 8 = 32 3 4 × 2 = 8 = 1 रखने ला 1 4 × 4 = 5 4 × 0 = 0 0.0512 जदि एहार एंटीलॉग बाहर करिबा 0.05 / 1 0.05 / 1 होची 1125 मीन डिफरेंस 2 होची 1 यानी 1126 डेसिमल पॉइंट कोठी दबा ना सर डेसिमल पॉइंट पूर्वरु अच्छी 0 + 1 इज इक्वल टू 1 1.126 ताहले ये केते ही जीवो 100 × 1.126 जदि आमे आकु ठीक से देखिबा 112.6 हबो केते हबो 112.6 हबो 112.6 हबो ये होची कहार वैल्यू ना सर एहा होची अमाउंट रो वैल्यू कहार वैल्यू ना सर अमाउंट रो वैल्यू सर मु आपन को गोटे कथा कहितली कोन कहितले ए इज इक्वल टू पी प्लस आई जदि ए होची 112.36 पी जदि होची 100 ताहले आई केते हबो
आई माने इंटरेस्ट दैट इम्प्लाइज आई हम 112.36 माइनस 100 पिला माने बुझी पारु छ कि नाही हाँ सर बुझी पारु छु ताहले केते आसु छी 12.36 सिंपल इंटरेस्ट के सॉरी केवल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कहीं हम केवल इंटरेस्ट आई केते हला ना सर 12.36 ए 12.36 रो माने कौन ए 12.36 रो माने कौन समस्ते मो सहित लिखिक ने जदि पी 100 हुए पी 100 हुए ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट 12% हुए जदि पी 100 हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हुए जहा कि क्वार्टरली कंपाउंडेड करा जाए क्वार्टरली कंपाउंडेड करा जाए कोमा तेबे तेबे कौन हबो वर्ष को शुद्ध 12.36 हेबो अर्थात लिखिबे अर्थात इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.36 हेबो 12.36 हबो बुझेला यस सर इफेक्टिव रेट कहिले वार्षिक 100 टंका रे केते टंका सुध केते टंका सुध वार्षिक 100 टंका रे केते टंका सुध लेखि सारो तापरे मु बुझेबि हाँ सर आम लिखी सारे सार सार मुझे हाँ हाँ ना सार क्वेश्चन रे तो दे 12% इंटरेस्ट पर आनम मुझे वेरी गुड सर जदि क्वेश्चन रे दे 12% पर आनम आपण जो बाहर कले 12.36% पर आनम मुझे लिखी यार मान हूँ 12.36% पर आनम ताले एहारो एहा भितरे फरक कौन एहारो एहा भितरे फरक कौन ना सर एहारो एहा भितरे फरक होची सब पिला माने बुझिबे जेते बेले 12% पर आनम थिला रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड आमे केते थोर करूथिले कंपाउंडेड करूथिले क्वार्टरली कंपाउंडेड आमे कौन करूथिले क्वार्टरली जदि 12% शतकड़ा सुध हार को आम कंपाउंड करवा क्वार्टरली अमाउंट जिते हम अमाउंट जिते हम 12.36% पर आनम रे जदि आम कंपाउंड करवा आनुआली कहले वार्षिक ताहेले अमाउंट सेतिकी हबो सेतिकी हेबो ओहो सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रो माने होची आमे वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट रे केते टका बाहरिबो वार्षिक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट माने वार्षिक वार्षिक वर्ष रे बारंबार कैलकुलेशन न करी वर्ष रे जदी मु थरे कैलकुलेशन करबी ताहेले केते हबो बुझियला क्वेश्चन रे जहा देइछि आउ थरे क्वेश्चन रे जहा देइछि 12% पर आनम कंपाउंडेड होउछि क्वार्टरली
इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रो माने होची जदि मु वर्ष को थरे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करे क्वार्टरली नो कि हाफ इयरली नो वर्ष को थरे माने एनुअली ताहेले रेट ऑफ इंटरेस्ट केते होबो ताकू कुआ जाय कोन ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ताकू कोन कुआ जाय इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बुझियला यस सर बुझियला तो दोस्त आज पई एतिकी पुणी देखा हबो नुआ क्लास नुआ टाइम नुआ एनर्जी सहित से पर्यंत नमस्ते भलरे थांदु समस्ते घरे पाठ पढ़ंतु समस्ते ओके यस बाय बाय गुड नाइट।